वेलकम फ्रेंड्स, माय चैनल ज्ञानस्थली। मैं अलका पांडे आपको आज एनसीईआरटी एजुकेशन का जो टॉपिक है आपका उस पर बात करूंगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पे, जहाँ पे मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। इसके साथ ही अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं नए वीडियोज बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एनसीईआरटी आपका यूनिट नंबर 4 के साथ साथ कई सारे यूनिट्स में दिया हुआ है, जो टीचर ट्रेनिंग और स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो अर्थ है वो जो मीनिंग है वो यहीं से समझ लेते हैं कि उसके शब्द में ही छिपा हुआ है। ऐसी परिषद जो क्या काम करती है, प्रशिक्षण का और अनुसंधान का। ऐसी काउंसिल नेशनल लेवल पर, एक ऐसी काउंसिल जो एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन के फील्ड में जो रिसर्च हो रही है, जो ट्रेनिंग टीचर्स की होनी है, उनके लिए रिकमेंडेशन देती है, उसका करिकुलम बनाती है, उसके बारे में सलाह देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये काम है एनसीईआरटी का। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? इसका एस्टेब्लिशमेंट इसको बनाया गया 1961 में। ये स्कूल एजुकेशन, बेसिकली इसका जो काम है वो किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए है। तो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ, देखिए स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि स्कूल एजुकेशन में टीचर्स हैं, उन टीचर्स की ट्रेनिंग का काम एनसीईआरटी करती है। तो ट्रेनिंग में क्या क्या देखेगी? करिकुलम, कंट्रोलिंग, क्या रिकमेंडेशन है, ये सारा पॉलिसीज प्लानिंग, प्लस ये गुणात्मक सुधार की बात करती है कि जो भी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में जो भी क्वालिटेटिव गुणात्मक सुधार हो सकता है उसके लिए ट्राई कोशिश करती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्रयास करती है। साथ ही पॉलिसीज एंड प्लानिंग बनाती है कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस देती है, यानी कि सलाहकार का काम करती है। सो ये सारे काम है यूजीसी के। इसके साथ साथ सॉरी, ये काम है सारे एनसीईआरटी के। सॉरी, लाइटिंग जरा ठीक नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का ये आपने देखा कि स्कूल एजुकेशन में काम कर रही है और टीचर ट्रेनिंग के लिए काम करती है। अब हम देखते हैं कि इसके मेन फंक्शन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि एनसीईआरटी के उद्देश्य और मुख्य कार्य क्या है, जिसमें हम जानेंगे कि इसका मेन फंक्शन जो है वो किसके लिए काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, आपके लिए दो तीन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी, एनसीटीई और यूजीसी, बाकी भी सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये तो पता होना ही चाहिए। सो इसका मेन काम है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्कूल्स रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो करिकुलम बनाना, पाठ्यचर्या, सिलेबस डिसाइड करना, करिकुलम बनाना, इसके साथ ही टीचिंग मेथड्स क्या होना चाहिए, है ना, कि छोटे बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, बड़े बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, यानी कि क्लास फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ तक का क्या होना चाहिए, नाइन्थ का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का क्या होना चाहिए, सो क्या टीचिंग मेथड और टेक्निक यूज करनी चाहिए, इस पर बात करती है एनसीईआरटी। इसके साथ साथ जो बुक्स है वो डिसाइड करती है, एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, आपने देखा होगा बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं, तो बुक्स का बुक्स प्रोवाइड कराती है। साथ ही में जो साइंस का एजुकेशन है उसके लिए जो किट आते हैं वो डिसाइड करती है कि उसमें क्या क्या रहेगा। इसके साथ ही ये इवैल्यूएशन करती है कि जो भी ट्रेनिंग चल रही है या जो भी स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है उसमें क्या पॉलिसीज प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर टीचर कोई ठीक से उसको ग्रेड किस तरह से देना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इस पर बात करती है एनसीईआरटी। साथ ही रूरल जो एरियाज है वहाँ पे एक एग्जाम होता है, वहाँ पे स्कूल्स होते हैं नवोदय स्कूल्स, उनके लिए जो एग्जाम रहता है उसको कराती है, तो जिससे बहुत सारे रूरल एरिया से लोग भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ सके और उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इसके साथ ही ये स्कूल एजुकेशन के लिए जो स्कूल एजुकेशन है जनसंख्या शिक्षा है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है, इसके साथ टीचर एजुकेशन और जो भी लोग इनसे रिलेटेड है उनके लिए पत्रिकाएं या जो मैगजीन्स है उनको निकालती है टाइम टू टाइम, जिससे लोग जान सके। इसके साथ साथ जो लोग प्री सर्विस है, पोस्ट सर्विस है, यानी कि जो टीचिंग में है और जो टीचिंग में आने वाले हैं, जो ऑलरेडी टीचर हैं और जो टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि टीचर एजुकेशन ले रहे हैं,
उनके लिए जो नए नए रिफ्रेशेस कोर्स आते हैं उन कोर्स का करिकुलम तैयार करती है, उसको कंट्रोल करती है और उनके बारे में पॉलिसीज और प्लान बनाती है। सो ये सारे काम थे किसके, एनसीईआरटी के। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की कुछ डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, वो कौन कौन से हैं उसको फ्रेंड्स हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स एनसीईआरटी की कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वो कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए। एनसीईआरटी की कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो चार भागों में डिवाइडेड हैं। नंबर पहला है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यू, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NIE। सेकेंड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET। थर्ड है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि क्षेत्रीय संस्थान शिक्षा के लिए। चौथा है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये इसके चार मेन इंस्टीट्यूट हैं, तो इसको शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे। नंबर वन NIE, नंबर सेकेंड CIET और नंबर थर्ड है हमारा RIE और नंबर फोर्थ है हमारा PSSCBE। तो ये चार मेन संस्थान हैं किसके, एनसीईआरटी की जो संस्थाएं हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं वो। अब इनके क्या फंक्शन है, क्या काम है वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो न्यू दिल्ली में है, इसका क्या काम है। देखिए इसको, इसका एक चीज याद रखना कि जो कोठारी कमीशन था, कोठारी आयोग था, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाए, तो वो उसके साथ अटैच्ड हो गया है। सो ये कोठारी, इसके साथ इसका काम रहता है कि जो भी टीचर ट्रेनिंग है, टीचर एजुकेशन है, उससे रिलेटेड जो वर्कशॉप है, सेमिनार्स हैं, है ना, संगोष्ठियां हैं, ये सारी चीजें को आयोजन कराना, ठीक है, और जो भी रिसर्च होने हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड उनके लिए काम करता है, यानी कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो रिसर्च है, जो सेमिनार है, जो टाइम टाइम पे वर्कशॉप्स होती हैं, उन सबको ये आयोजित करता है, यानी कि उनके लिए प्लानिंग करता है। इसके साथ ही नंबर सेकेंड पे हम लेते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय संस्थान ही बड़ा इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। सो जो रीजनल है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे है, ये टोटल पहले चार थे, अभी फिलहाल पांच हुए हैं, तो इनको कैसे समझेंगे, इनको याद रखना है आपको, है ना, कि हम इसको ऐसे ना मैप बना के याद रखें। यूजीसी का एक इंस्टीट्यूट है आरईई, जिसकी ऑलरेडी पांच संस्थाएं हैं, पहले चार थी, तो वो पांच कहाँ कहाँ पे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये पूछा जाता है ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, मिडिल में कौन सी है, तो राजस्थान में है अजमेर, शिलोंग, भुवनेश्वर, भोपाल एमपी में है और मैसूर। तो ये इसके पांच अलग अलग डिफरेंट रीजनल सेंटर है, एनसीईआरटी का जो इंस्टीट्यूट है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट रीजनल सेंटर है। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा किधर है, तो आप ये ऑप्शन करवाएंगे, ये मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसका क्या काम है, इसका जो काम है, जो भी टीचर है, यानी कि सेवारत, यानी कि जो इन सर्विस टीचर है, यानी कि जब आप टीचर बन गए, मान लीजिए जो इन सर्विस टीचर्स हैं, उनके लिए जो रिफ्रेशेस कोर्सेज है, उसके लिए रिफ्रेशेस कोर्सेज को बनाता है, ये रीजनल सेंटर्स रिफ्रेशेस कोर्सेज को बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा, बल्कि बाकी सारा तो सेम है, कि जैसे कि सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो वो बार बार वो तो सारे ही करेंगे, लेकिन बेसिक काम क्या है कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उसके लिए
कोर्सेज और करिकुलम ये सब चीजें डिसाइड करता है। ठीक है, तो दूसरा आपने समझ लिया। थर्ड है हमारा CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है ये ईटी में भी शायद आपकी यूनिट ईटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट में भी है। यानी कि एक ऐसा संस्थान जो केंद्रीय जो इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी, यानी कि जो केंद्र सेंटर से रिलेटेड काम करता है। ये क्या काम करेगा, जो जैसे जो टीवी है ना, ईटीवी रेडियोज है, ये शैक्षिक दूरदर्शन। ईटीवी का मतलब क्या हो गया, शैक्षिक दूरदर्शन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है टीवी पे, जो एजुकेशन से रिलेटेड टीचर से एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है ना, जो एजुकेशन के बारे में बताते हैं उन सबको ये बताता है। इसके लिए जैसे रेडियो है ना, तो रेडियो पे जो प्रोग्राम्स है उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल दूरदर्शन पे कोई प्रोग्राम आना है कि जो भी गैलेक्सी है उसके बारे में, मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाना है छोटे बच्चों को, उनको गैलेक्सी के बारे में समझाना, तो उसके लिए एक जो सॉफ्टवेयर बनाएगा वो सॉफ्टवेयर ये बनाता है CIET, इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेगा कि जिससे वो दूरदर्शन पे सभी बच्चे उसको देख सके। इसके बाद अगला फ्रेंड्स हम लेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक संस्थान, यानी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और जो भी आपका प्लस टू लेवल पे, यानी कि प्लस टू लेवल पे जो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है, कुछ लोग प्लस टू लेवल पे ही एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स ले लेते हैं, ये उसके लिए बेसिकली काम करता है। सो इस तरह से हमने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से इसके क्षेत्रीय कार्यालय है ना, कौन कौन सी रीजनल एजेंसीज है। इसके साथ साथ अब अगला टॉपिक में हम देखेंगे कि टीचर एजुकेशन में NCERT का क्या योगदान है। सो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है NCERT का टीचर एजुकेशन में। तो टीचर एजुकेशन में इसका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये है कि चाहे वो प्री प्राइमरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल स्कूल है, यानी कि ओवरऑल जो भी टीचर है फिफ्थ क्लास वन से लेके और आपका 12th तक का, तो जितना भी एजुकेशन का सिस्टम है उसमें जो भी टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए, चाहे वो प्री लेवल पे हो, चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, उन सभी टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए है ना, टीचर एजुकेशन बोलेंगे हम इसको, शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन के लिए ये करिकुलम बनाती है। ठीक है, ओवरऑल जो भी टीचर एजुकेशन है चाहे वो वोकेशनल हो चाहे वो अदर्स हो, उसके लिए प्लानिंग बनाती है। साथ में NCERT क्या करती है कि सभी स्तर के टोटल जितने भी लेवल है उसके लिए करिकुलम डिसाइड करती है। ठीक है, अगला है ये कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड मिडिल्स के लिए जो एम्स हैं कि आपको मिडिल के बच्चे या एजुकेशन में जो टीचर बनना चाह रहा है, मिडिल का जो टीचर बनना चाह रहा है, प्राइमरी का, उसके लिए क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वह डिसाइड करती है NCERT। इसके साथ साथ कंटिन्यूस जो रिसर्च होने हैं टीचर एजुकेशन के लिए, उन रिसर्च पे काम करती है, उसकी रिकमेंडेशन को लागू करती है। इसके साथ साथ नए नए टीचिंग्स के जो मेथड्स हैं उनका डेवलपमेंट करती है, उनको रिकमेंड करती है और उनको फॉलो कराती है टीचर्स से। इसके साथ साथ ये जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज होते हैं उनको रिकमेंडेशन देती है और उसके अनुसार रोज नए नए प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है टीचर एजुकेशन में, कि अगर ये इम्प्लीमेंट करके देखती है NCERT। इसके साथ साथ ये शिक्षक शिक्षा से टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं ना, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों का क्या करिकुलम चल रहा है, कितने लोगों का आवश्यकता है, नीड है, तो इन सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, रिकमेंडेशन देती है, पॉलिसीज बनाती है, वर्कशॉप करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन करता है, NCERT करती है, और ये इसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है टीचर एजुकेशन के लिए।
तो ये आपकी यूनिट के आज टू पार्ट टू टॉपिक खत्म होते हैं, नंबर वन यूजीसी और नंबर टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।